दोस्तों, हम लोगों में से हर कोई ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम बहुत बड़ा काम करें, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, मगर उसके लिए कोई वक्त देना नहीं चाहता। हर कोई ये सोचता है कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिले जिससे कि हम लोग सफल हो जाएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। हर कोई हर सफलता का शॉर्टकट की तलाश में रहता है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं एक बंदर की तरह। जो बंदर एक बंदर था, उसका पता था कि ये आम का गुठली है और उस आम के गुठली को ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा तो उससे आम का पेड़ होगा और उस पेड़ में बहुत सारा आम का फल उगेगा। वो उस गुठली को ले लिया और एक गड्ढा खोदा और उसमें उस गुठली को गाड़ दिया और एक पेड़ पे जाके बैठ गया। वो 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा और 15 मिनट देखा। उसके बाद जब वो पेड़ उससे गुठली से नहीं निकला, वो पेड़ से नीचे उतरा, वो गड्ढा खोदा और देखा गुठली को, वो सोचा शायद ये गड्ढा ही खराब है। वो क्या किया, उस गुठली को उठा निकाल के एक दूसरा गड्ढा खोदा और उसमें गुठली को दबा दिया। फिर वो रुका, फिर पेड़ पे जाके देखा, 10 मिनट देखा। इस बार वो पूरा 1 घंटा रुका, 1 घंटा तक देखा। जब कोई पेड़ नहीं आया तो वो फिर से नीचे उतरा और फिर से उस गड्ढा को खोद के उस गुठली को देखा। इस बार वो सोचा कि हो सकता है ये गुठली ही खराब है और वो गुठली को उठा के फेंक दिया। तो ज़रा सोचिए कि क्या हम लोग भी इसी तरह से सोचते हैं? क्या हम लोग भी हर हमेशा कोई सफलता अगर पाना चाहता है, कोई अगर काम हम लोग करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा समय देते हैं? सफलता हमको चाहिए बहुत बड़ा, लेकिन उसके लिए समय हम लोग बहुत कम देते हैं। थोड़ा सा उसके लिए समय देते हैं, उस थोड़ा सा समय में अगर हम लोग सफल नहीं होते हैं तो वापस तुरंत हम लोग अपना दूसरा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, दूसरे लक्ष्य के पीछे दिमाग लगाने लगते हैं। इस वजह से ये होता है कि हम लोग पूरा अपना तन, मन और धन, ये तीनों चीज़ किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम लोगों को सफलता उस मुताबिक नहीं मिल पाता है जिस मुताबिक क्या हमको चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा लक्ष्य है मेरा, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, मेहनत पूरा करना पड़ेगा। और एक बात आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए कि किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे वो तो भाग्यशाली है, वो तो लकी है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया, हम नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप सोच लिए कि हम भाग्यशाली नहीं हैं और मेरा कोई लक नहीं है, तो जब आप भाग्यशाली नहीं हैं तो फिर आप क्यों शॉर्टकट के पीछे पड़े हुए हैं? आप क्यों किसी शॉर्टकट के तलाश में हैं? जो भाग्यशाली था वो शॉर्टकट अपनाया और वो सक्सेसफुल हो गया। आप अगर खुद को अनलकी मान लिए हैं, अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानते हैं, तो फिर आप समय दीजिए, आप मेहनत कीजिए। और अगर आप मेहनत करते हैं तो मेरा ये मानना है ज़रूर आप भी सफल होंगे। धन्यवाद। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।